हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम पेडागोजी पर लेकर आए आपके लिए एक स्पेशल क्लास, और आप अपनी इसके माध्यम से जांच पाएंगे कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो क्लास नंबर 34 है, और अभी भी जिन्होंने एमपी परीक्षा एप सफलता की अभी डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर ले। इसे आप गूगल प्ले से या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये व्यापम के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की तैयारी इसके माध्यम से आप आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। इसमें 50,000 से भी अधिक प्रश्नों का संग्रह है, और जब आपकी एग्जाम ऑनलाइन है तो आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही करनी चाहिए। और अगर आप हमारे इस टेस्ट कोड को यूज़ करते हैं टेस्ट को खरीदने के लिए, इस कोड का उपयोग करते हैं VIJLABH50 VIGLAB50 को, तो आपको 230 की टेस्ट सीरीज मिलेगी 115 रुपये में। और साथ ही साथ कौन थे हमारे टेस्ट विनर उनका भी नाम हम आपको बता देंगे। और आपको आज की वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रश्न है पहला कि छात्रों को अधिगम गतिविधियों में सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या प्रमुख उपाय करना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन है कि जो छात्रों को अधिगम की गतिविधियां, जो लर्निंग एक्टिविटी होती है, उसमें सफल बनाने के लिए टीचर को क्या प्रमुख उपाय करना चाहिए। यहाँ पे जरूर आप देखिए प्रमुख बोल रहा है यहाँ कि क्या प्रमुख उपाय करना चाहिए। सीखने की तत्परता उत्पन्न की जाए, संप्रेषण प्रदान किया जाए, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, प्रश्न पोषण प्रदान किया जाए, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए। तो देखिए एक टीचर को उसको सफल बनाने के लिए उसमें क्या करना होगा, सबसे प्रमुख उपाय है। इसका सही उत्तर है ए। देखिए जब तक मैं सही उत्तर बताने में थोड़ा टाइम इसलिए ही लेता हूँ ताकि आप क्या करें, एक रफ पेपर लेकर रहें और साथ में अपना, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो साथ में अपना भी एक आंसर लगाते चलें, और फिर बाद में हमें कमेंट करके बताएं कि आपके इस इन टोटल क्वेश्चनों से कितने सही थे। तो इससे आपकी एक टेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी हर बार हर वीडियो से। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। भारत में सर्वप्रथम, इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। देखिए भारत में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, इलाहाबाद में। इसका सही उत्तर सोच लीजिए क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है बी, हैदराबाद। अब बात करते हैं IMP क्वेश्चन, इसे जरूर आप रट लें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि परीक्षण निर्माण की योजना में ध्यान रखा जाता है, जब आपको परीक्षण निर्माण किया जाता है तो की योजना में क्या ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन में पढ़ता हूँ मैं, परीक्षण की लंबाई, परीक्षण के पदों की प्रगति तथा परीक्षण के निर्माण के उद्देश्य को, विषय वस्तु या कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया को, छात्रों के स्तर को, उपरोक्त सभी को। देखिए जब आप क्या करें परीक्षण निर्माण की योजना का और बना रहे हैं तो आप क्या क्या ध्यान में रखते हैं, तो आपको परीक्षण की लंबाई, परीक्षण के पदों की प्रगति और निर्माण के उद्देश्य, विषय वस्तु या कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया और छात्रों के स्तर, इन सभी को आपको ध्यान में रखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है उपरोक्त सभी, डी। बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें मैं महत्वपूर्ण लगाता हूँ, आप इन्हें जरूर रट लिया करें और साथ ही साथ जरूर नोट बनाते रहें। काफ़ी स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं तो आप भी नोट्स बनाएं। दूरस्थ शिक्षा का विकास सबसे पहले हुआ इंग्लैंड में, जापान में, अमेरिका में, चीन में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा सोच लीजिए। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में दूरस्थ शिक्षा का विकास सबसे पहले हुआ। और आज हम आपको एक मुख्य बात बता दें, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आज की आज में ही इस वीडियो, जितने भी हमने आज वीडियो डाले हैं आज की आज में, आज संडे को, उन सभी पर जिन पर भी 1000 से अधिक व्यू एक ही दिन में हो जाएंगे, हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े ताकि जब हम लाइव क्लास लाएँ तो आपको भी कॉम्पिटिशन का पता चले कितना है। तो आज हर एक पर हम ये जो टेस्ट सीरीज है ये हम आपको बाय करके देंगे, और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जो हमने आपको कहा था कल कि जो विनर वीडियो को शेयर करेगा उसको भी हम एक टेस्ट सीरीज बाय करके देंगे। तो ये टेस्ट सीरीज जीतने वाले व्यक्ति हैं, ये देखिए ये इनका नाम मैं बता देता हूँ आपको, शिव नारायण पाल जी हैं, ये इनका ये नंबर है, ये टेस्ट सीरीज को जीत चुके हैं, ये भोपाल से हैं।
इन्होंने सामाजिक विज्ञान ग्रुप में, लक्ष्य माध्यमिक शिक्षक ग्रुप में, ये वित्त संभाग अध्यक्ष ग्रुप में, साथ ही साथ संस्कृत माध्यमिक शिक्षक परीक्षा में, और काफ़ी सारे जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ऐसे ढेरों लोगों को इन्होंने वीडियो को भेजा। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और उनकी तैयारी अच्छे से हो सके, यही हम चाहते हैं। तो आप भी यही बात को ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जब तक एक मिनट, ये आपका मैं वीडियो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको ये पढ़िए इसे। ये है क्वेश्चन कि छात्रों को विद्यालय प्रदर्शन में सफल बनाने के लिए शिक्षक को उनकी किस स्थिति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि छात्रों को विद्यालय प्रदर्शन में सफल बनाने के लिए, मतलब आप जो है छात्रों को क्या करने है? सफल बनाना चाहते हैं, तो शिक्षक को उनकी किस स्थिति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक पृष्ठभूमि, क्या होगा इसका आंसर सोच लीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी, सांप्रदायिक पृष्ठभूमि। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि छात्रों को आपको क्या स्कूल में वो अच्छा परफॉर्मेंस दें, अच्छे से वो पढ़ाई करें, तो उसमें आपको सफल बनाना है, तो उनकी किस स्थिति पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, तो उनकी सांप्रदायिक पृष्ठभूमि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। फिल्म पट्टियों का दोष यह है कि अध्यापक इनके क्रम को बदल नहीं सकता, इनकी फोकस दूरी कम होने के कारण उन्हें केवल छोटी कक्षाओं में प्रयोग किया जा सकता है, फिल्म पट्टी तैयार करने की टेक्नोलॉजी भी महंगी है, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आप बताइए कि फिल्म पट्टियों का दोष यह है कि अध्यापक इनके क्रम को बदल नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। इनकी फोकस दूरी कम होने के कारण उन्हें केवल छोटी कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। फिल्म पट्टी तैयार करने की जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी महंगी है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ये सभी। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ध्यान रखिए आपको क्या है, देखिए आप टेस्ट सीरीज भी जीत सकते हैं, ये दिवाली ऑफर के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकें इसके लिए। ये टेस्ट सीरीज आज आप जीत सकते हैं, जितने भी वीडियो आज हमने डाले उन सभी पर, जिन पर भी 1000 होते जाएंगे, 1000 लोग देख लेंगे, उन सब पर एक एक विनर को हम टेस्ट सीरीज बाय करके देंगे। साथ ही साथ कल 5 नवंबर है, आपको याद होगा कि यह बुक कल आपको जो भी विनर होगा, लकी विनर, उसे ये बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे बुक है, ये पूरी थ्योरी के साथ ही साथ इसमें 650 से अधिक प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको यह बुक जो भी विनर बनेगा उसके घर पर यह बुक भेज दी जाएगी बाय कोरियर, तो निशुल्क में आप ये बुक भी जीत सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेट बने, काफी सारे बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज चुके हैं, आपको भी भेज दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। चलिए बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। फिल्म पट्टियों की अपेक्षा कक्षा में स्लाइडों के प्रयोग से लाभ यह है कि, देखिए ये क्या बोल रहा है, स्लाइड का प्रयोग करते हैं तो क्या लाभ है। स्लाइडों के क्रम को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है, स्लाइडों को अध्यापक अपनी शिक्षण रणनीति का अंग बना सकता है, कंप्यूटर द्वारा निर्मित स्लाइडें शिक्षण के साथ साथ चल सकती हैं, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो हमारे भी जो वीडियो हम बनाते हैं वो स्लाइड पे ही बनाते हैं, इससे काफ़ी अच्छा तो विजिबिलिटी अच्छी रहती है, क्लियरिटी अच्छी रहती है। तो देखिए स्लाइडों के क्रम को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है, स्लाइडों को अध्यापक अपनी शिक्षण रणनीति का अंग बना सकते हैं, कंप्यूटर द्वारा निर्मित स्लाइडें शिक्षण के साथ साथ चल सकती है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वह है उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा में वह व्यवस्था जिसके द्वारा 5M अर्थात मेन मटेरियल मीडिया मशीन तथा मेथड का एकीकरण किया जाता है, अध्यापक की वर्तमान युग में भूमिका को बदला जा सकता है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो शैक्षिक तकनीकी में शिक्षा में वह व्यवस्था है जिसके द्वारा 5M का एकीकरण किया जाता है, 5M का, साथ ही साथ अध्यापकों की वर्तमान युग में भूमिका को भी बदला जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, उपरोक्त दोनों। देखिए हम इतने सारे MCQ क्यों पढ़ा रहे, ताकि आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके, आप सिलेबस भी हम कम्प्लीट करा देंगे, साथ ही साथ आपके MCQ भी हम कम्प्लीट करा देंगे, ताकि कहीं से भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, आपसे सब तरह के क्वेश्चन बन सकें।
इसके लिए हम आपको इतने सारे एमसीक्यू भी पढ़ा रहे हैं। ये प्रश्न है कि फिल्म पट्टी व स्लाइडो की उभय निफ्ट विशेषता है, इन दोनों को हम जितनी देर तक चाहें स्क्रीन पर रोक कर दिखा सकते हैं, इन्हें सुरक्षित रखना भी आसान है, दोनों को दिखाने के लिए प्रोजेक्टर अब बहुत सस्ते दाम पर मिल जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल, ये जो फिल्म पट्टी और स्लाइडो की उभय निफ्ट की विशेषता, ये सभी इसकी विशेषता है कि हम जितनी देर तक चाहें स्क्रीन पर रोक सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, सुरक्षित भी इन्हें रखना आसान होता है, बिल्कुल सही है, और अब प्रोजेक्टर अब बहुत ही सस्ते दाम पर मिलते हैं, तो ये इसके सभी सही है, इसलिए इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। देखिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी भी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस हम डालें उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ये टेस्ट आज आप जीत सकते हैं, वीडियो को शेयर करें। और साथ ही साथ ही कल अभी बुक डिक्लेयर भी की जाएगी, तो एक्टिव पार्टिसिपेंट बने हमारे और ये बुक भी जीते। अब बात करते हैं हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कक्षा कक्ष में शिक्षक को छात्र को सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या प्रयास करना चाहिए, कि मतलब आपको एक क्लास में एक शिक्षक को एक छात्र को सफल बनाना है तो आपको सबसे पहला प्रयास क्या करना चाहिए। छात्र की रुचि एवं जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, प्रश्न पोषण प्रदान करना चाहिए, आत्मीय व्यवहार करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए। तो देखिए अगर आपको एक छात्र को सफल बनाना है तो आपको सबसे पहला प्रयास क्या करना चाहिए कि उसके अंदर रुचि एवं जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, मतलब उसकी जो भी रुचि है उसकी जिज्ञासा, उसके द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाए उसका उसे जवाब देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ए, छात्र की रुचि एवं जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलात्मक मानचित्र, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता है या कहती है। देखिए क्या होता है कि एक जो टीचर है वो विद्यार्थी को किसी विषय पर उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए तो उसको एक कॉन्सेप्ट मैप जो होता है, ताकि आप मतलब एक डायग्राम बनाने को या निर्माण करने को कहती है, वह क्यों विद्यार्थियों की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रहा है या कर रही है, रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है या कर रही है, अध्यापकों की छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही है। तो देखिए अगर आपसे कॉन्सेप्ट मैप बनाने को कहा जाता है तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है रचनात्मकता का, वो आपका आकलन कर रहे हैं या कर रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है बी। ये आपको देखिए कुछ तरह के वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे ही जाएंगे एग्जाम में, और ये आपका उस विषय पे आपकी कितनी समझ हो चुकी है, साथ ही साथ आप विषय को कितना गहराई से जानते हैं या कितना अच्छे से आपको उसका नॉलेज है। और अगर आपको देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप ये पूरा पढ़ लेंगे और आप रिविज़न करते रहेंगे, देखिए हम मैं रिविज़न का हमेशा कहता हूँ, रिविज़न आपको ज़रूर करना है, आप पढ़िए नोट्स बनाइए और रिविज़न ज़रूर कीजिए, ये की ऑफ सक्सेस है रिविज़न, आपको रिविज़न करना ही है, बिल्कुल ऐसा ना करें। कुछ बच्चे मुझे आया पता है मैं वो क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं और लास्ट तक पढ़ते रहते हैं, रिविज़न नहीं करते। आपको रिविज़न हर दिन करना है, रिविज़न करते रहिए, आपसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो टफ भी होते हैं वो भी बन जाएंगे, तो आप बात रिविज़न ज़रूर करें। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नासिज्म की प्रवृत्ति, डिप्टोटिज्म की प्रवृत्ति। तो देखिए जो इसका सही उत्तर है वह है सी, नासिज्म की प्रवृत्ति। अब बात करते हैं ये अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसके लिए मैंने इसे स्लाइड में डाला है। काफ़ी सारी एग्जामों में जहाँ भी पेडागोजी है या बाल विकास सब्जेक्ट को लिया है तो मैंने देखा है कि उन्होंने फिर हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई से भी स्टेट की एग्ज़ाम हुई हो, मैंने देखा कि इस क्वेश्चन को उन्होंने पूछ लिया है, तो इसके लिए मैंने इसे स्लाइड में इस क्वेश्चन को रखा है। IMP क्वेश्चन है ये। बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर। गालब्रेथ के अनुसार तकनीकी की विशेषता होती है। देखिए जो गालब्रेथ है उनके अनुसार तकनीकी की क्या विशेषता है, तकनीकी की विशेषता के बारे में क्वेश्चन है। प्रयोगात्मक कार्यों के लिए वैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग,
प्रयोगात्मक कार्यों को विभिन्न अनुभागों एवं पदों में बांटकर समझना। उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं तो देखिए जो तकनीकी की विशेषता है वह प्रयोगात्मक कार्यों के लिए वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग है, बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ प्रयोगात्मक कार्यों के विभिन्न अनुभागों एवं पदों में बांटकर उसे समझना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है सी, उपरोक्त दोनों। आपको क्या करना है, जब भी हम एमसीक्यू पढ़ाए एक रफ पेपर लेके रखें, उस पर अपने आंसर जरूर टिक करें और आप ये हमें कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। मुझे अभी एक स्टूडेंट ने कॉमर्स के लिख के बताए थे कि मैंने 23 क्वेश्चन पढ़ाए थे और उनके 20 क्वेश्चन सही थे। तो देखिए आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी जांच पाएंगे, इसके लिए आप ज़रूर हम जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं वो आप हमें बताएं कि आपके कितने सही थे। देखिए अगर ज़्यादा गलत होंगे आपके तो हम भी कुछ सोचेंगे कि कैसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सके। बात करते हैं अब इस प्रश्न पर, बालक किसी नवीन अनुभव या नवीन वस्तु की व्याख्या प्रथम रूप में किस आधार पर करता है, पूर्व अनुभवों के आधार पर, प्राप्त ज्ञान पर आधार पर, अभिभावकों के निर्देशन के आधार पर, शिक्षक के निर्देश के आधार पर। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए, यहाँ क्या बोल रहे हैं, बालक किसी नवीन अनुभव, उसका नया अनुभव है, न्यू एक्सपीरियंस है, या नवीन वस्तु की व्याख्या करना कर रहा है तो किस आधार पर करता है। देखिए नई चीज है, उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो उसका जो पहले का अनुभव है, जो पूर्व अनुभव है, उसके आधार पर वह उसका बताता है या व्याख्या करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ए। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तैयारी कर सकें। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस हम डालें उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और ये दो बातें याद रखिए, एक तो ये टेस्ट सीरीज जो आप आज जीत सकते हैं, साथ ही साथ कल 5 नवंबर है तो आप ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसे आप जीत सकते हैं, आपके घर पर यह बुक भेज दी जाएगी। कंप्लीट सिलेबस प्लस 650 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है इसमें। चलिए बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए किसको सही नहीं है, ये बात जरूर ध्यान में रखिए, पूछ रहा है। तो देखिए जो मानवतावाद है कार्ल रोजर का है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद प्रकार्यवाद विलियम जेम्स का है, ये भी सही है। संरचनावाद जॉन बी वॉटसन का नहीं है। और जो मनोविश्लेषण है वो सिगमंड फ्रायड का है। तो देखिए जो कौन सा मिलान नहीं है, तो ये मिलान नहीं है, संरचनावाद जॉन बी वॉटसन का नहीं है। आप ये तीनों नाम जरूर याद कर लें, मानवतावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, मैंने आपको पढ़ाया है काफ़ी कुछ इनके बारे में बताया भी है और ये नाम भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर उन्हें देख लें। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है, आंकड़ों के प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के शहरीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो इसका जो सही उत्तर है आप सोचिए और लगाइए, देखिए प्रयास करते रहें। आप अभी शुरू में आपसे कम भी क्वेश्चन बने कोई दिक्कत नहीं, आपसे धीरे धीरे बनने लगेंगे, आप रेगुलर रहिए बस, हम आपका पूरा सिलेबस भी पढ़ा देंगे कंप्लीट सिलेबस के साथ ही साथ, कंप्लीट हम आपकी एमसीक्यू की भी तैयारी करा देंगे। तो आप बिल्कुल अच्छे से बस रेगुलर वीडियो को देखिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलें। अब बात इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा इसका सोच लीजिए आपकी, देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, ये इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, नोट करते जाइए, काफ़ी स्टूडेंट नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप करते हैं। एक छात्र अंग्रेजी विषय का अध्ययन इसलिए करता है कि अंग्रेजी विषय बहुत उपयोगी है, उसके भविष्य में रोजगार दे सकता है, या छात्र का उद्देश्य मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो अब मुझे पता है कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। वो क्वेश्चन क्या था कि एक छात्र है वो अंग्रेजी सीख रहा है,
और वो अंग्रेजी बहुत अच्छी सीखना चाहता है। एक व्यक्ति जो क्लास में फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहा है और एक व्यक्ति केवल पास होने के लिए, वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, याद आ गया होगा आपको। तो ये वहाँ पर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो आपको लगा लिया होगा आपने। इसका सही उत्तर है ए, निपुणता। आप मुझे जितने भी मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, आप ये कमेंट कर कर भी मुझे बताएं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपयुक्त तो सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो देखिए, आपको अपनी कल्पना का विकास करना है तो आपको ज्ञान इंद्रियों को तो प्रशिक्षित करना ही चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए और रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो उत्तर है, उपयुक्त तो सभी क्रियाएँ आपको करनी चाहिए। बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एरिक एसले मीडिया के साधनों जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि के शिक्षा में प्रयोग को कौन सी क्रांति मानते हैं? चौथी, तीसरी, पांचवी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो एरिक एसले हैं, ये याद रखें नाम भी इनका, और इसका जो सही उत्तर है वह है चौथी क्रांति मानते हैं। जो टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आप जो शिक्षा में इनका प्रयोग करते हैं, तो इन्हें कौन सी क्रांति मानते हैं? चौथी क्रांति मानते हैं एरिक एसले। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? देखिए, ध्यान रखिएगा, नहीं बोल रहा है ये। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं एप्टीट्यूड से संबंधित नहीं होती है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो देखिए, इसका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, यहाँ रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ ये ध्यान देना है। या तो ये सत्य नहीं है, तो आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि इसमें से आपको कौन सा कथन ढूंढना है, असत्य कौन सा कथन लिखा है, ये आपको ढूंढना है। तो देखिए, जो इसमें से असत्य कथन है वह ऐसी रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं एप्टीट्यूड में संबंधित नहीं होती हैं। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? अयोग्य बालकों को, मदरसा एवं मकतब को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों को, उपरोक्त सभी को। देखिए, जो पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, तो जो इसका सही उत्तर है, अयोग्य बालकों को। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में। हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आपको सिलेबस के साथ ही साथ और क्या पूछ सकते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, ये भी आपको अच्छे से पता रहे। इसके लिए हम इस तरह के भी क्वेश्चन लाते हैं। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रहता है। वंश क्रम संभाव क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है, तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। देखिए, ये बोल रहे कि अधिगम और जो परिपक्वता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, यदि बालक विकास यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं। ये परिपक्वता क्या होती है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आज हम आपसे एमसीक्यू इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप वो कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसको जांचने के लिए हम इस तरह के वीडियो लाते हैं। इसके अंदर हम आपको केवल एमसीक्यू ही लेकर आते हैं, इसमें हम कोई डिस्कशन नहीं करते। हम डिस्कशन जो और साथ ही साथ टॉपिक है आपको उसको हम डिटेल में इसलिए ही समझाते हैं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, रट लीजिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बुक का और टेस्ट सीरीज का बिल्कुल ध्यान रखें। ब्रिटेन में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1971, 1972, 1983 और 1973। तो देखिए, जो ब्रिटेन में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उसका सही उत्तर है ए, 1971 में।
बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। पाठ्य वस्तु विश्लेषण का स्रोत होता है पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य अध्ययन सामग्रियां, विशेषज्ञों के व्याख्यान, परिचर्चा तथा संदर्भ सामग्री, अन्य पहले से निर्मित परीक्षण, उपरोक्त सभी। देखिए जो आप पाठ्य विश्लेषण का जो सोर्स होता है तो क्या होता है, तो पाठ्यपुस्तकें जो होती है आपकी वो, और उसकी जो अध्ययन सामग्री होती है ये सभी होती है। साथ ही साथ जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा जो व्याख्यान और जो रेफरेंस मटेरियल दिया जाता है वो सभी, साथ ही साथ अन्य निर्मित परीक्षण। तो इसका जो सही उत्तर होता है वो होता है ये सभी। आपको इसी तरह से एग्जाम में भी समझना कि आप किसी पाठ्यवस्तु का विश्लेषण के क्या सोर्स होंगे, तो आपको इस तरह से उसे आपने दिमाग में रखना है। क्वेश्चन को उसके बाद उसके ऑप्शन को देखिए कि क्या क्या हो सकते हैं, उसके बाद आप एक सही आंसर पे आसानी से पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। 21वीं शताब्दी में ऐसी शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता है जो कि बालकों के ज्ञान में निरंतर वृद्धि कर सके, बालकों को बदलती परिस्थितियों का सामना करने के योग्य बना सके, बालकों में वैज्ञानिक सोच पैदा कर सके, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको ही पता है कि ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो, आपको जो परिस्थितियाँ बदल रही है उसको सामना करने के योग्य बना सके, मनोवैज्ञानिक सोच पैदा कर सके या वैज्ञानिक सोच जो होती है वो पैदा कर सके, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है, IMP क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुके हैं और आपसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर नोट करते रहें सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपके लिए लेकर आते हैं। देश की बढ़ती शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए दूरस्थ एवं पत्राचार शिक्षा का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था या कौन से आयोग ने दिया था? मुदालियर आयोग 1952-53, कोठारी आयोग 1964-66, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जिसे कहा जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1948 और शिक्षा नीति 1986। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, कई बार इतना IMP क्वेश्चन है मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो आपको जितने भी यहाँ पर आयोग लिखे हैं ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं विथ डिटेल में पढ़ना, और हम आपको जरूर पूरे पढ़ा देंगे। तो ये किसका सुझाव था? ये कोठारी आयोग का था 1964-66, ये इसका आंसर है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, सारे आयोग हम आपको पढ़ा देंगे। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। मानसिक विकलांगता का कारण है, देखिए आप ये ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कल हम एक बुक डिक्लेयर करेंगे कल के वीडियोस में, तो आप लकी विनर बन सकते हैं। ये बुक आपके घर पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक भेज दी जाएगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे बुक है, पूरे सिलेबस के साथ ही साथ इसमें MCQ भी है, तो ये आपकी तैयारी में जरूर अच्छी आपकी उपयोगी होगी आपकी तैयारी में। साथ ही साथ आप ये टेस्ट सीरीज भी जीत सकते हैं, तो पार्टिसिपेट कीजिए। और देखिए जो व्यक्ति जीते हैं हम उनको जरूर, हम उनसे कॉल कर लेते हैं और बात करके उन्हें बता देते हैं कि आप विनर हैं, तो आप भी विनर बन सकते हैं। और ये जो बुक है कोरियर के द्वारा भेजी जाएगी, तो 8 दिन लग जाते हैं कोरियर आपके घर पहुंचने में, तो ये आपके घर पर आपको डिलीवर हो जाएगी, हम आपसे फ़ोन पर एड्रेस ले लेंगे। तो मानसिक विकलांगता का कारण है अनुवांशिकता एवं जीन से जुड़ी समस्याएँ, पर्यावरण से जुड़े कारण, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो मानसिक विकलांगता होती है ये दोनों के कारण होती है, एक तो अनुवांशिकता एवं जीन से जुड़ी समस्याओं के कारण, साथ ही साथ पर्यावरणीय कारणों से भी होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है सी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। मानसिक विकलांगता का प्रसव पूर्व कारण है, मां के साथ किसी दुर्घटना के कारण भ्रूण को चोट लग जाना, गर्भावस्था के दौरान मां का कुपोषण या किसी रोग का शिकार होना, रेडियोधर्मिता या विश्लेषण पदार्थों का सेवन, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो मानसिक विकलांगता का प्रसव पूर्व कारण है वह ये सभी है, उपरोक्त सभी। माँ के साथ अगर कोई दुर्घटना के कारण अगर जो भ्रूण है, जो बच्चा है, जो गर्भ में होता है माँ के, उसको अगर कोई चोट लग जाए तो वो, या गर्भावस्था में जो कुपोषण है उसके कारण, या कोई सी बीमारी का वो शिकार हो जाए, या रेडियोधर्मिता या जो विषैले पदार्थों का सेवन करते हैं, इन सभी। तो इसका उत्तर है ये सभी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जामों में पूछा जाता है, रट लीजिए इसे। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूर इसे रटिए। हम आने वाले वीडियोस में जरूर इस पर भी एक बिल्कुल आपको डिटेल डिस्कशन करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू
तो इसमें यह पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष कितने छात्रों का नामांकन होता है। जनरल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर आईएमपी नहीं है। पूछ आईएमपी क्या है आपके लिए, ये है कि इग्नू का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इग्नू का में जो नामांकन होता है वो 1 लाख से अधिक का होता है, तो इसका आंसर होता है ए। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। चलचित्रों का प्रयोग किया जाता है परीक्षण कार्यों में कौशल के प्रदर्शन के लिए, अनुकरण द्वारा कौशल सुधारने के लिए, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो चलचित्रों का प्रयोग किया जाता है वो उपरोक्त दोनों के लिए ही किया जाता है, प्रशिक्षण कार्यों में एक तो कौशल प्रदर्शन के लिए और अनुकरण द्वारा कौशल सुधारने के लिए। तो जो इसका उत्तर है वह सी, उपरोक्त दोनों के लिए। और देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, एक तो टेस्ट सीरीज आप आज के आज में अगर 1000 से अधिक इस वीडियो पे व्यू हो जाते हैं तो आपको एक लकी विनर को टेस्ट सीरीज दी जाएगी। आज हमने जितने भी वीडियो डाले हैं आज, और साथ ही साथ ये बुक जो कल हम खोलेंगे ये भी आप जीत सकते हैं ये। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।